पैसे हम इकट्ठा हो कर सकते हैं और इस तरह हम एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल दे सकते हैं और उसमें दीनी तालीम को फौकियत दी जाए और दुनियावी तालीम भी तरह रहे कि हमारे दुनियावी लोग मजबूर हो जाएं कि अपने बच्चे को उस पर भेजें, जो टाई वाले लोग हैं, जो सीएम पीएम इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं दुनियावी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा स्कूल और कॉलेज बनाया जाए जहाँ पे वो मजबूर हो जाएं कि वो भेजें। तो ये काम कहना तो आसान लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस पे करने पे खुल जाएं और करना चाहें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास के लोगों ने किया है। जामिया मिलिया एक हफ्ता से यूनिवर्सिटी बना है और इस तरह के बहुत सारे आपके अलीगढ़ की मिसाल है। तो बिरादरान इस्लाम हमारे देश में जो बात थी उनको मैंने किया है और लोगों के मशवरे की उम्मीद है, तो जिनके ध्यान में जो बात आए और वो इस लायक है कि वो बयान कर सकें तो वो बता सकें। अब पानी व सरबरा तथा अकेडमी और जिनके मुहतमिम अलहाज सईद मुफ्ती साहब अपनी जबान से कुछ आप सबों को अलहाज हजरत सईद मुफ्ती साहब रजा अकेडमी मुंबई है और उन्होंने इस महफिल को बुलाया है, उनके आवाज़ पे सबों ने लबैक कहा, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सबका। और यहाँ पे उनके दस्तों बाजू हम और रहे हैं, इसलिए जफरुद्दीन का भी हक बनता है कि वो भी आपका शुक्रिया अदा करें। तो उन्होंने अपना हक अदा कर लिया है, अब मैं आपके सामने 1500 साल बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी से मुतालिक मशावरत की इजलास और तबादले ख्यालात की नशस्त एहतमाम आयद मिल्लत हजरत अलहाज सईद नूरी साहब रजा अकेडमी मुंबई, इंतज़ाम मौलाना गुलाम हसन कादरी मौलाना मुसलुद्दीन तकाजी, सारी सदियों पे जो हारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, परवरदगार आलम का हजार आप फजल एहसान और आय नामदार, मकानों लामका के तादार का करम है कि आज हम मुमिनाना जज्बात एहसास से मामूर होकर रजा अकेडमी मुंबई के एहतमाम तारुण से दारुल कलाम कादरी मस्जिद दिल्ली में जमा हुए हैं, ताकि हम एक नुक्ते इत्तेफाक पर इकट्ठा होकर 1500 साल आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पैमाने पर मनाने के बारे में सोचें। इंशाअल्लाह 15 सितंबर 2025 को 5 सितंबर 2025 को 12 रबीउल अव्वल 1447 होगा हिजरी होगा, उस अजीम तारीख में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हम सब की ज़िंदगी का ये पहला मौका है कि इस नौयत की सताला जश्न में उलमा अइमा और दानिशवारने कौम मिल्लत दोश बदोश बैठे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि रजा अकेडमी जिसने इस तहरीक पर के बनाने की तहरीक चलाई है, रजा अकेडमी जिसने इसे तहरीक बनाने की तहरीक चलाई है की तरफ से हमें ऐसा मौका फराहम किया गया कि हमने तमाम हजरात की खिदमत में दावत पेश की, जिसका नतीजा है कि आज मुअज्ज़ज़ और बाअथर शख्सियात ने इस सरज़मीन को शर्फ बख्शा है। इस्तकबाल मैं सबसे पहले रजा अकेडमी और तमाम मुंतज़िमीन व मुआविनीन की तरफ से आप हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ जिन्होंने मौसम की खराबी, दिल्ली की ट्रैफिक, रास्ते की परेशानी, मस्जिद व मदरसा की जिम्मेदारी, मुहर्रम हराम के 10 रोज़ा रिवायती तरतीबात और ज़ाती मसरूफियात के बावजूद अकेडमी की दावत पर लबैक कहा और दूर दराज की मुसाफतें तय करके यहाँ तशरीफ लाने की गवारा फरमाई। मोहतरम हजरात रजा अकेडमी मुंबई के बानी व सरबरा कायद मिल्लत असीर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब अकबल्लाहु अन्हु की तरफ से, अपनी तरफ से मौलाना मोहम्मद सफरुद्दीन बरकाती की तरफ से और तमाम मुआविनीन व मुंतज़िमीन की तरफ से अपनी तशरीफ आवरी और जहमत गवारी पर दिली शुक्रिया कबूल फरमाएँ।
और एकेडमी के मुखलसाना मिज़बानी को शफ़ीक़ क़बूलियत बख्शें। इस मौके पर मौलाना डॉक्टर अली रज़ा ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली का शुक्रिया अदा करना अदा न किया जाए तो नासपासी होगी कि जिन्होंने हमें कदम कदम पर मुफीद मशवरे से नवाजा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल तमाम दुनिया जहालत व तारीकी के नरगे में थी। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तालीमात तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लोगों ने इनमें से ज़रूरत के मुताबिक रद्द बदल कर दिया था कि हकीकत की तलाश नामुमकिन हो चुकी थी। यूरोप के बाशिंदों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बरखिलाफ़ तसलीस के अकीदे को अपना लिया था, यानी तीन खुदा के। हिंदुस्तान में करोड़ों देवताओं की परस्तिश की जाती थी। अरब का हाल इन तमाम ममालिक के गया ममालिक से गया गुजरा था। मजहबी अतबार से हजाज के लोग अपने रिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलाने पर फख्र महसूस करते थे और बाज़ रसूम मिल्लत इब्राहिमी की उनके यहाँ राइज की थी। मिल्लत इब्राहिमी की उनके यहाँ राइज भी थी, अगरचे उनकी शक्ल मस्क हो चुकी। मसलन बाज़ लोग नंगे होकर हज करते और उसकी तावील ये करते कि जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उनमें हम अल्लाह के घर का तवाफ कैसे कर सकते हैं। कुर्बानी, मेहमान नवाजी, वादा वफा करना, ये चीज़ें अरब की अच्छाइयों में से थी, मगर अनगिनत खराबियों के सामने जो उनमें पाई जाती थी उनकी हैसियत न होने के बराबर। बाज़ अरब अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दफन कर देते। उसकी चंद वजूह थी, जंग में कैद होकर हमारे दुश्मनों के साथ ना आए, कोई हमारा दामाद न बने, मगर ये रस्म सिर्फ 10% अरब में थी। औलाद को रिज़्क की कमी के बाइस कत्ल कर डालते। जब बाप मर जाता तो उसकी बेवा बतौर मिराज लड़के के खर्चे में आ जाती। वो अगर चाहता तो खुद उससे शादी कर लेता और अगर चाहता किसी दूसरे शख्स के निगाह में देकर हासिल कर लेता। लूट का माल खाना बहादुरी में शामिल था। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराहों और गुमराहियों के मरकज़ में मसरूफ़ फरमाया और आपको पैगाम हक दिया जो तमाम मुल्कों और तमाम कौमों के लिए एक सरपर पर काबिल अमल है। वलादत बासआदत असहाबे फील के वाक़े के 55 रोज़ बाद 12 रबीउल शरीफ को सुबह शादी के वक्त खाकदाने आलम में जलवा फरमा हुए। आपने ज़मीन पर तशरीफ़ लाते ही अपने दोनों हाथ एक किए, सर आसमान की तरफ उठाया। बदन से तेज कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। खतना किए हुए नाक कटा हुआ, चेहरा चौदहवीं के चांद की मानिंद रोशन, आंखें कुदरती तौर पर सुरमई, दोनों शानों के दरमियान उन्होंने कुवत। जब आप तशरीफ़ लाए तो सितारे बहरे ताज़ीम झुक गए, हरम शरीफ मनवर हो गया, मक्का की पस्त ज़मीन और कीले चमक उठे। आपके आने से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मुल्क शाम के हमलात अहले मक्का को नज़र आने लगे। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेवाओं बेटियों को इज़्ज़त, गुलामों को आज़ादी, मज़लूम को सुख से निजात मिली। कर्ज के इंसान को इंसानियत और हर तबे पिछड़े को उनका हक मिला। ना गोरे को काले पर कौफियत रही, ना ही अमीर को गरीब पर। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार, कायनात में सबसे अजीम वजह कुन और खातम रसूल हैं। शेख सादी ने यूँ कहा है, ला युम के मुस्तनाओ कमा का नहक पादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा ने इस मफूक को यूँ बयान किया है, उसने यूसुफ दमे ऐसा यदे बैजादारी आज कुर्बा हमादारन तनहादारी। आशिक रसूल आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इस तरह अपने जिस्म का इजहार किया है, लेकिन रजा ने खत्म पर इस्ते कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका है। गुजारिश हजरात मोहतरम, हम सबों की ज़िंदगी का बहुत सा कीमती वक्त बातों, हंगामी नशिस्तों और कमेटी की तश्कील में सर हो चुका है। अब ज़रूरत है कि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम ठोस और तामीरी काम शुरू करें। कौम बे नतीजा कामों से मायूस है,
उनके दरमियान नतीजा खेज काम पर इतिहाद की एक आम ख्वाहिश पाई जाती है। अवाम अहलसुन्नत हमारी मुश्तरक आवाज पर अफेक कहने के लिए आमादा और मुस्तैद है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दाए अमल पेश किया जाए जिसका असर अगले 100 साल तक महसूस किया जाए, हम में महसूस किया जाए। मैं उलमाए अहलसुन्नत और हमदर्दान कौम की तवज्जो इस तरफ मजबूर कराना चाहता हूँ कि हमें अना और ज़ाती मफाद को बनाए ताक रख कर सिस्टम और इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। मुल्की पैमाने पर इस काम को अंजाम दिया जाए, इसके लिए हम सूबे के और ज़िले के लिहाज से चंद जिम्मेदार उलमा, अइमा मसाजिद और दानिशवर मर्द हमदर्दान कौम के पुरजोश हिम्मतवर इतार परवर और साबिर कारकुनों को मुंतखब किया जाए, जो पेश किए जाने वाले मंसूबों को मजबूत इरादों और मुस्तकिल अदायों के साथ मुल्की पैमाने पर हम जमा करा सके। हजरात ग्रामी वकार, साल का पहला महीना हमें ज़बान हाल से पुकार रहा है कि अफराद अहलसुन्नत शिराजा बंद होकर एक नुक्ते इश्तराक पर जमा हों, यह हमारी मुश्तर का ज़रूरत भी है। अपनी शोहरत क्रेडिट अना आपसी इख्तलाफात को खातिर में ना लाएँ, खुलूस से नीयत के साथ जश्न की कामयाबी में लग जाएँ। यहाँ एक बात ज़रूर अर्ज करता चलूँ कि दो तरह की कामयाबी होती है, एक ज़ाती दूसरी इब्तदाई। इस प्रोग्राम को ज़ाती कामयाबी तो मुसल्लम है, हमारी आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि हमें इसकी ज़रूरत है। रह गई इब्तदाई तो अपनी किस्मत चमकाने के लिए इस प्रोग्राम में पूरे तौर पर लग जाएँ, जहाँ हम एक दूसरे से इख्तलाफ हो मुज़ाहमत से परहेज करें और मुश्तरक कामों के लिए इत्तेहाद इश्तराक अमल की एक मिसाल कायम करें। आप हज़रात 1500 साल जश्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खास बैनर के पाबंद नहीं हैं। आप चाहें तो अपने बैनर तले काम करें, मगर मौजू मंजिल और मकसद एक हो। पूरे साल के अच्छे कामों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें। मसलन इस साल कोई मस्जिद बने तो इसका नाम या रसूलल्लाह मस्जिद, और इसका और अगर कोई रेस्टोरेंट हो तो उसका नाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा रेस्टोरेंट हो, इसका नाम और कोई लाइब्रेरी हो उसका नाम मुस्तफ़ा लाइब्रेरी रखा जाए। पूरे साल जल से कूट दीनी प्रोग्राम सब सरकारी दो आलम के नाम पर करें। बैनर पोस्टर में 1500 साल जश्न का ज़रूर जिक्र रहे। इस जश्न के लिए रज़ा एकेडमी मुंबई की तरफ से एक कॉमन मोनोग्राम तैयार किया गया है, उसको झंडा बैनर पोस्टर में जरूर लगाएं। मैं इस बात की भी गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा झंडा तस्वीर फरमा दें जो जश्न ईद मिलाद मुंबई सभ्यता मुताबिक हर नशिस्त में टेबल पर एक तरफ मुल्की झंडा हो तो दूसरी तरफ जश्न का तस्वीरशुदा झंडा हो। वही झंडा जूस बाइक और कार की सीनत बने ताकि इंसानी ध्यान में वो रच बच जाए, देखते ही ध्यान में 1500 साल जश्न का तसव्वुर आ जाए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तामी सूरतें उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी ज़बान में सीरतुन्नबी पर किसी मुस्तनद किताब की इशात और मुल्क तकसीम अहादीसे रसूल से मुतालिक किसी किताब की तबात व इशात जो इस लाहे मुआशरा में मौजूद हो। 1500 या 1500 बच्चियों की इज्तमाही शादी का समाजी निज़ाम व अहतमाम और सभी जोड़ों को कंजुल ईमान और सीरत मुस्तफ़ा किताब बतौर खास दी जाए। 1500 या 1500 तलबा व तालिबात की तालीमी फीस की अदायगी जिनका इंतखाब मेरिट के बुनियाद पर हो। 1500 या 1500 या 1500 ऐसे दरख्तों की 15,000 शजरकारी की जाए जिसकी जड़ें नीचे गहराई तक उगती हैं और ज़मीन की तरी को महफूज रखने में मुआवन साबित हैं। शहरी इलाकों में जहां बिजली और मोटर पर ही पानी का इंतजाम नज़र हो वहाँ 15 हैंड पाइप लगवाया जाए ताकि मुसलसल बिजली ना होने की सूरत में पानी की दिक्कत पेश ना आए। 15 मकतबों को गोद लेकर मदरसे की शक्ल में तरक्की देना जिसमें असली ज़रूरतों के मुताबिक सरबराहत का इंतजाम हो। सीरतुन्नबी पर 15 मुंतखब शख्सियात की 15 अलग अलग किताबों की तबात व इशात ताकि उनकी किताब जिंदा हो जाए और मुतारफ हो जाए। 15 मुंतखब यूनिवर्सिटियों में सीरतुन्नबी के समाजी और कानूनी पहलू पर मजबूती मौजूआती सेमिनार व सम्पोजियम और तफसी इंतबात का अहतमाम। हिंदुस्तान की 15 नुमाइंदा तंजीमों का आमली इश्तराक जो 1500 सालाना मिलादुन्नबी को यादगार बनाने के लिए तकसीमकार के मुताबिक
नुमाया कारनामा अंजाम दे सके। हिंदुस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें योम वलादत रसूल, हिजरत रसूल और मिसाक मदीना जैसे मौजूदात पर गवाह जिनमें उन्हीं मौजूदात पर किताबें बतौर इनाम की जाएँ। हिंदुस्तान के 15 मुंतखब शहरों में सीरतुल नबी इनामी तकरीरी मुकाबला का इंतजाम हो, जिसमें सीरतुल नबी से मुतल्लिक किताबें इनाम दी जाएँ। 15 शहरों में सीरतुल नबी इनामी तहरीरी मुकाबले का इनेकाद, जिनमें सीरतुल नबी पे लिखे गए वकालात के मजमू इनाम मजमूए इनाम में दिए जाएँ। 15 मुंतखब तालीमी अदारों में तरतील व तजवीद वगैरह का इनामी मुकाबला, जिसमें 15 तरतील व तजवीद से मुताबिक किताबें इनाम दी जाएँ। 15 मुंतखब दीनी तालीमी अदारों में कुल हिंद आदान इनामी मुकाबले का इनेकाद आसानी के लिए और सभी मुमकिन इकदाम को यकीनी बनाने के लिए तफसीलदार पर अमल करना लाजमी है, ताकि ईद मिलादुन्नबी के मुताबिक हमारे जज्बात और अकीदत मुहब्बत की तब्दील मुताबिक न हो। अब ये 100 साल में एक बार होता है, हमारी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है, तो कोई ऐसा काम करें कि उसका असर 100 साल तक है। वो कौन सा ऐसा काम है जो 100 साल तक जिसका असर रह सके? तो हमारे जहन में है, हम तजवीज़ पेश कर रहे हैं, बाकी और लोगों को जो जहन में होगा वो तजवीज़ पेश करेंगे, और जो तजवीज़ रहता है कि जिसको लगेगा, हम सबको लगेगा कि ये काबिल कबूल हो, उसको दे दिया जाएगा और उसको उस पर इंशाल्लाह काम किया जाएगा। जैसे अगर हम मिलाद शुरू करते हैं, नारा लगाते हैं, बात खत्म हो जाएगी, या इस तरह के हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत देर का नहीं है, 100 साल तक इसका इसकी उम्र नहीं है। किताब लिखते हैं तो किताब की कुछ उम्र है, मगर उसकी भी 100 साल उम्र नहीं है। हमारे यहाँ मकतब मदरसा है, इसकी अजहद ज़रूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आलिम और फाजिल, मुहदिस, मुहर्रिर, आइमा हजार पैदा होते हैं और इनकी सब ज़रूरत है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए जो मेरे जहन में है कि हमारे यहाँ मदरसों में तकरीबन गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक 3% लोग मदरसे में जाते हैं, उसमें भी ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.5% लोग रह जाते हैं मदरसे में। और लोगों तक दीन की बात पहुँचाने के जरिए 3-4 हैं। एक तो ज़रिया है मदरसा, जहाँ से दीन की बात लोगों तक पहुँचती है। दूसरा ज़रिया जलसा है, और जलसों का हाल आपको मालूम है, जलसे में कोई लेक्चरर, साइंटिस्ट या ऐसे लोग नहीं आते हैं जिसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिला जा सके, जैसे CM है, PM है, DM है, तो इस तरह के समाजी जो बाहर लोग हैं नहीं आते। और तीसरा एक है नमाज में लोग आते हैं और आइमा हजरात से मुंसलिक रहते हैं, तो आइमा हजरात मसाइल बताते हैं जिसकी वजह से उनको कदर भी मालूम हो जाता है। चौथा एक तब्दील का जरिया है, तो इन सबों में वो लोग जाते हैं जो मजहबी लोग, लेकिन जो दुनियादार लोग हैं उन तक इस्लाम की बात कैसे पहुँचे? तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कोई हमें इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह का कायम किया जाए। कहना आसान है, लेकिन इसमें पैसे बहुत लगेंगे, लेकिन 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। अगर हम शुरू करें तो ये काम कर सकते हैं। जैसे